दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री अपने भारत में मौजूद है? जी हां गाइस, दिल्ली एनसीआर नोएडा शहर में सैमसंग कंपनी का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री मौजूद है। सैमसंग के द्वारा जुलाई 2018 में इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था। गाइस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सैमसंग एक इंडियन कंपनी है, और सोचे भी क्यों ना, सैमसंग बहुत पुराना फोन है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको सैमसंग फोन के बारे में पता है कि सैमसंग एक फोन है जो इंडिया में चलता है। लेकिन गाइस, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सैमसंग एक इंडियन कंपनी नहीं है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है जो भारत में लंबे समय से अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है। अभी की बड़ी खबर ये है कि सैमसंग की ओर से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि वो नोएडा फैक्ट्री में अब सैमसंग के लैपटॉप भी बनाएंगे। जी हां गाइस, जल्द ही फैक्ट्री में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है, सैमसंग के कौन कौन से प्रोडक्ट भारत में मौजूद है, क्या सैमसंग कोई नया लैपटॉप लॉन्च करने वाला है, आखिर कंपनी का पूरा प्लान क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के हेड ऑफ मोबाइल एक्सपीरियंस बिजनेस टीएम रॉय का कहना है कि भारत में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए तैयारी चल रही है और इसी साल लैपटॉप बनना शुरू भी हो जाएगा। आपको बता दें गाइस कि सैमसंग के लिए भारत एक इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस है, क्योंकि भारत से कंपनी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है और काफी ज्यादा कमाई भी होती है सैमसंग को, सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर। हर स्टेज पर कंपनी को सरकार ने हेल्प किया है और यही कारण है कि सैमसंग आज इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत में सेटअप करता है, ताकि एआई या और भी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा सके। अभी हाल ही में सैमसंग कंपनी की ओर से फ्लैगशिप गैलेक्सी S24 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड किया गया है। तो कंपनी का कहना है कि जल्द ही लैपटॉप के साथ साथ S24 स्मार्टफोन को भी नोएडा फैक्ट्री में बनाया जाएगा। अभी तक नोएडा फैक्ट्री में फोन, टैबलेट्स, टीवी, मेमोरी चिप्स, ये सभी चीजें बनाई जाती है। और गाइस, ये जो सैमसंग है, ये सिर्फ फोन के लिए नहीं जानी जाती है, बल्कि आपको इंडिया में इसके कई चीज देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग का टीवी हो गया, एलईडी हो गया, फ्रिज हो गया, सैमसंग का एसी हो गया, बहुत सारी चीज बनती है। आपको बता देगा इसकी सैमसंग इंडिया के साथ स्ट्रांगली कमिटेड है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री बनाकर सैमसंग ने ये साबित कर दिया है कि वो भारत और भारत के मेक इन इंडिया मिशन को सपोर्ट कर रहा है, और यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट भी सैमसंग को सपोर्ट करती है। अदरवाइज साउथ कोरिया से इंडिया का उतना नहीं बनता है। साउथ कोरिया के जो लोग हैं वो इंडियन लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं, बट चूंकि सैमसंग ने बहुत सपोर्ट किया है इंडिया को, उसकी वजह से हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की जरूरत पूरी होती है, इसलिए सरकार सैमसंग को सपोर्ट करती है। अगर इंडिया और साउथ कोरिया के जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करें तो ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, वो काफी टाइम से भारत में है और भारत सरकार का इस कंपनी के साथ काफी बनता है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बना करके इसने खुल करके साबित कर दिया है कि वो भी भारत के साथ है। नोएडा में इस फैक्ट्री का जब उद्घाटन हो रहा था, तब कंपनी ने कहा था कि वो अपने मोबाइल फोन प्रोडक्ट कैपेसिटी को डबल कर देंगे। पहले 68 मिलियन फोन पर ईयर प्रोड्यूस किया जाता था, जिसे डबल करके 120 मिलियन किया जाना था। आज सैमसंग भारत की फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी सप्लाई कर रहा है, और जल्द ही जब लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो भारत में बने ये लैपटॉप विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा फोन इंडस्ट्री अपने भारत में मौजूद है, तो सैमसंग ये जो मोबाइल बनाती है वो भारत में ही बनाती है, इसलिए सैमसंग का जो मोबाइल है वो मेड इन इंडिया कहलाएगा, ना कि मेड इन साउथ कोरिया। वो बात अलग है कि कंपनी साउथ कोरिया की है, बट उसका हर एक पार्ट अब इंडिया में बन रहा है, इसलिए ये मेड इन इंडिया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सैमसंग को लेकर के, कि अब सैमसंग वर्ल्ड का बिगेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मेकर नहीं रहा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में सेमीकंडक्टर चिप में सैमसंग का रिवेन्यू $70.2 बिलियन था, जो कि 2023 में $43.4 बिलियन हो गया। मतलब इसके टोटल रिवेन्यू में 38% की गिरावट आई। वही 2022 में इंटेल कंपनी का जो रिवेन्यू है वो $59.8 बिलियन का था, जो कि 2023 में $50.5 बिलियन हो गया। इसका भी रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन सैमसंग के कंपैरिजन में इसका रेवेन्यू ज्यादा है। आज के टाइम में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कई कंपनी आगे आ रही है, फ्यूचर में इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ेगी और बढ़ रही है, और यही कारण है कि कंपनियां अभी से ही इसकी तैयारी में लग गई है। भारतीय कंपनियां और भारत सरकार भी प्रयास कर रही है ताकि भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाया जा सके। वैसे भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, और लगातार प्रयास करने से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाता है, इसलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे ग्रो करना चाहिए, और सरकार वही कर रही है। याद रखिएगा, विकास आपसे हमेशा कहता है, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए। अगर हम ये सोचें कि सेमीकंडक्टर में चाइना आगे है, ताइवान आगे है, तो सोचने से भारत आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब यही प्रयास हमारा रंग लाएगा और भारत सेमीकंडक्टर हब बनेगा। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, सैमसंग कंपनी कब तक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा भारत में, और क्या ये लैपटॉप भारत में चलेगा? अगर आपको लैपटॉप लेना होगा तो क्या आप ये लैपटॉप लेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।